आज हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके पहले मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर डिटेल वीडियो बना दिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। लिंक मैं यहाँ पे आई बटन में ऐड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो देख लीजिए और फिर उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझें। एंड अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से आप डाउनलोड करके या वेबसाइट पे देख के इजीली से जो है नोट्स बना के आप स्टडी कर सकते हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है एंड देन वी विल गो अहेड स्कोप, फिर उसके बाद फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस। अब देखिए, जब अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक जो वर्ड आया है वो डिराइड हुआ है, क्या हुआ है, डिराइड। कहाँ से डिराइड हुआ है, ग्रीक वर्ड से। कहाँ से, ग्रीक वर्ड। ग्रीक क्या होता है, एक लैंग्वेज, अ कंट्री है, जहाँ पे हम बोलते हैं मैक्रोस। क्या बोलते हैं, मैक्रोस। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड में क्या बोलते हैं, मैक्रोस। अब मैक्रोस का मीनिंग क्या है, लार्ज और एग्रीगेट, दैट इज कॉल्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट इज सिंपल मीनिंग, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है, कहाँ से आया, ग्रीक वर्ड से। ग्रीक में हम मैक्रोस बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, लार्ज और एग्रीगेट। ओके, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो थेरी है वो जो भी स्टडी करता है वो लार्ज स्केल पे करता है, ना कि स्मॉल स्केल पे करता है। ओके, तो एक बात समझ में आ गई कि मैक्रो इकोनॉमिक जो भी स्टडी करेगा वो लार्ज स्केल पे करता है और एग्रीगेट लेवल पे करता है, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। ओके, अब मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है किसके, बिहेवियर ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट। तो ये एग्रीगेट हो गया ना, हमारे देश में कितना लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, कितना लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। ओके, एक कंट्री का, तो वो क्या हो गया, एग्रीगेट हो गया, राइट, वो लार्ज हो गया। टोटल कितना कंजम्पशन है हमारे कंट्री का, तो ये क्या हो गया, एग्रीगेट लेवल हो गया, राइट। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो भी स्टडी करता है वो लार्ज स्केल पे करता है। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्री में कितने हुए, ठीक है, कितने सारे बिजनेस यूनिट इन्वेस्टमेंट कितने हुए, कितने इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट हुआ, तो पूरा ओवरऑल स्टडी करता है, दैट मीन्स वॉट, लार्ज और एग्रीगेट। ओके, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी ऑफ एग्रीगेट, यहाँ पे देखो लिखा भी है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया मैक्रो इकोनॉमिक जो थेरी है वो जो भी स्टडी करता है वो लार्ज लेवल पे करता है, एग्रीगेट मतलब टोटल सभी को काउंट करता है, तो वो एग्रीगेट जिसको हम बोलते हैं, एग्रीगेट मतलब क्या है, टोटल। ओके, जो भी स्टडी करता है वो पूरे होल इकोनॉमी का करता है, तो क्या हो गया, एग्रीगेट स्टडी हो गया। ओके, जैसे मैंने बताया टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल कंजम्पशन, टोटल इन्वेस्टमेंट, राइट, इवन टोटल इनकम भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो आप, कि हमारे देश का टोटल नेशनल इनकम कितना है, वो भी मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस हेल्प करता है डिफाइन करने के लिए। इट इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एज अ होल, दैट मीन्स पूरे इकोनॉमी का, कंट्री का पूरा इकोनॉमी स्टडी करता है, सो दैट इज़ व्हाट द मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एग्रीगेट इकोनॉमी बोलते हैं। ओके, तो आपको समझ में आया व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक वर्ड डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस, विच मीन्स लार्ज और एग्रीगेट। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी क्या करता है, स्टडी करता है अबाउट दी होल इकोनॉमी, लाइक टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल कंजम्पशन, नेशनल इनकम, टोटल इन्वेस्टमेंट, राइट। इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, एग्रीगेट इकोनॉमी बोलते हैं। ओके, नाउ अब डेफिनेशन क्या है इसका, अगर हम लोग डेफिनेशन JL जो है हैंसन का देखें, अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन आप किसी का भी ले सकते हो, ठीक है, इट डिपेंड्स, आपको जो इजी लगता है वो डेफिनेशन आप लिख सकते हो। ओके, माइक्रो, इनके हिसाब से क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है एक ऐसा ब्रांच है जो एक, वो क्या करता है, जो विच जो कंसिडर करता है, क्या कंसिडर करता है, रिलेशनशिप बिटवीन लार्ज एग्रीगेट सच एज वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दैट इज लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग, इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम एक्सेट्रा, दैट इज कॉल्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। सिंपल डेफिनेशन है, मैक्रो इकोनॉमिक्स किसका ब्रांच है,
माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा ब्रांच है इकोनॉमिक्स का जो डील करता है, जो रिलेशनशिप बताता है एग्रीगेट्स के बारे में। जैसे हो गया टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल अमाउंट, उसके बाद टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग, इन्वेस्टमेंट हो गया, नेशनल इनकम, एक्सेट्रा। सो दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम डिस्कस करते हैं स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स में बताया था स्कोप मतलब क्या होता है, ठीक है, वापस मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो थ्योरी है, अगर वो एग्जिस्ट करता वो है, तो उसका क्या स्कोप है, मतलब उसका क्या यूजेस है, उसकी क्या बेनिफिट्स हैं। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी यूज़ करते हैं तो उसका क्या स्कोप है, ठीक है, उसका क्या बेनिफिट्स है। ओके, तो वो होता है स्कोप, मतलब उसका क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, उसका किधर एक्सेप्टेबिलिटी है, ठीक है, उसका क्या यूजेस है। तो दैट बिकम दी स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहला क्या स्कोप है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट क्यों, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डिफाइन करता है, वो डिटरमाइन करता है, बताता है, क्या बताता है कि हमारे देश में नेशनल इनकम कितना है और एम्प्लॉयमेंट कितना है इकोनॉमी में। तो वो क्या होता है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा थे माइक्रो इकोनॉमिक्स जो थ्योरी है वो स्टडी करता है, एनालाइज करता है, और एनालाइज करके वो डिटरमाइन करता है, बताता है कि लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कितना है हमारे इकोनॉमी में, एंड उसका रीजन भी फाइंड आउट करता है। एनालिसिस दैट मीन्स स्टडी करता है, उसका एनालिसिस भी करता है। क्या एनालिसिस करता है, कॉसेस मतलब क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, फ्लैक्चुएशन मतलब कम ज़्यादा होना, ठीक है, अप्स एंड डाउन होना, तो फ्लैक्चुएशन होना लेवल ऑफ इनकम में, एम्प्लॉयमेंट आउटपुट में, मतलब अगर प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, घट जाता है, या इनकम इंक्रीज और डिक्रीज होता है, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, वो भी क्या करता है, डिफाइन करता है, वो भी बताता है, एक्सप्लेन करता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या मैंने बोला, थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या समझा, कि मैक्रो इकोनॉमिक जो थ्योरी है वो स्टडी करता है कि हमारे इकोनॉमी में नेशनल इनकम टोटल कितना है और एम्प्लॉयमेंट कितना है, और अगर एम्प्लॉयमेंट कम ज़्यादा होता है तो उसके कौन से कॉसेज हैं, अगर इनकम चेंज होता है, एम्प्लॉयमेंट लेवल चेंज होता है, तो उसके कौन से कॉसेज हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। थ्योरी ऑफ दिस थ्योरी मतलब थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्जामिन करता है रिलेशन बिटवीन द इनकम्स एंड एम्प्लॉयमेंट एंड सजेस्ट द पॉलिसीज, और उसके जब रीज़न फाइंड आउट करता है उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन क्या है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उसका सजेशन भी देता है, ठीक है, वो होता है ये थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, दूसरा क्या स्कोप है, अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो उसका स्कोप है कि वी कैन डिफाइन दी जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। व्हाट इज जनरल प्राइस लेवल, मान लीजिए कि हमारी इकोनॉमी में 1000 प्रोडक्ट, हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज हैं। अब गुड्स मतलब क्या होता है, सर्विसेज, गुड्स फिजिकल फॉर्म में होता है, ठीक है, सर्विस जो होती है वो इंटेंजिबल होती है, जिसको आप देख नहीं सकते, सिर्फ आप फील कर सकते, लाइक वाइल ट्रैवलिंग बाय एयर और बाय ट्रैवलिंग रोड, लाइक बाय बस और ईटिंग लंच इन दी होटल, ठीक है, ये सब क्या है, सर्विस है। आप ये लेक्चर देख रहे हो तो मैं क्या दे रहा हूँ, आपको सर्विस दे रहा हूँ। सो इट कैन बी ओनली फील, इट कैन नॉट बी सीन, ठीक है, आप महसूस कर सकते हो कि हाँ आपको समझ में आ रहा सारी चीज़ें, वो होता है सर्विसेज, गुड्स का फिजिकल फॉर्म में होता है, ठीक है। तो बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो उसका प्राइस लेवल कितना है, मतलब देर आर मल्टीपल प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं हमारी इकोनॉमी में, उसका जनरल प्राइस लेवल क्या होता है, उसका प्राइस क्या होता है पूरा सभी का मिला के जनरल, वो जनरल प्राइस लेवल होता है, ठीक है। एंड जनरल प्राइस लेवल से ही डिफाइन होता है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कितना है। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, जनरल प्राइस जो है उसके अंदर इंक्रीज होना, उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, मतलब प्राइजेस का बढ़ना, जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसका प्राइस बढ़ना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी जो है वो क्या करता है, एनालाइज करता है कि हमारे इकोनॉमी का जनरल प्राइस लेवल कितना है, और वो ये बताता है कि कितना फ्लक्चुएशन है, और उसके बेस पे हम क्या पता कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन कितना है और जनरल प्राइस लेवल कितना है, राइट। तो ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बताता है कि इन्फ्लेशन रेट कितना है,
एंड प्राइस लेवल कितना है, और उसके बाद फिर उसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है, उसका सॉल्यूशन क्या है होगा प्रॉब्लम का, वो भी ये डिफाइन करके बताता है, उसके हिसाब से पॉलिसी सजेस्ट करता है, और फिर हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए करंट सिचुएशन है, ड्यू टू पैंडेमिक बहुत सारे जो गुड्स एंड सर्विसेज उसके प्राइस बढ़ रहे हैं, तो उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि बहुत सारे गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स लेके आता है, जिससे क्या होगा कि प्राइजेस क्या होते हैं थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाते हैं। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे बताया। ओके, थ्योरी समझ में आया, ठीक है। अब ना थर्ड थ्योरी क्या होता है, थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब देखो ग्रोथ मतलब क्या होता है, बढ़ना, डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, एक तरीके का विकास, ठीक है। अब विकास में किसी का नाम नहीं बात बोल रहा हूँ, विकास मतलब जैसे मान लीजिए कि वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हुआ, वहाँ पे कुछ सुधार हुआ, वहाँ का मान लीजिए कि एक स्कूल है, स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो गए, बढ़ गए, जो विद्यार्थी हैं वो बढ़ गए, लेकिन स्कूल के अंदर एक अलग से फुटबॉल ग्राउंड बना दिया गया, तो वो क्या हो गया, स्टूडेंट बढ़े तो ग्रोथ हो गया, उसमें अलग से एक साइंस के लिए लैब बना दिया गया तो डेवलपमेंट हो जाएगा, डिजिटल बोर्ड लगा दिया पढ़ाने के लिए तो डेवलपमेंट हो जाएगा, ओके, लाइब्रेरी बना दिया तो डेवलपमेंट हो जाएगा, ओके, समझे। सो थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस क्या करता है, हेल्प करता है, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस जो है, थ्योरी जो है वो हेल्प करता है डिफाइन करने के लिए कि कितना ग्रोथ रेट है एंड कितना डेवलपमेंट है, एंड अगर ग्रोथ रेट कम है तो उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हम, डेवलपमेंट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अब डेवलपमेंट करने के लिए सबसे बड़ा हमारे कंट्री में मेन प्रॉब्लम क्या है, पॉवर्टी का, ठीक है। अब पॉवर्टी को जो है ख़त्म करने के लिए कौन सी पॉलिसीज़ हैं उसके लिए सजेस्ट करता है। सो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी हेल्प करके सजेस्ट करता है कि हम ये प्लान्स एंड पॉलिसी इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमारा एक जो है कंट्री का ग्रोथ लेवल क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट बढ़ जाएगा, ओके। और जो भी, अब देखो ये थ्योरी एंड इम्प्लॉयमेंट ये भी बोलता है कि हमारे इकोनॉमी में जो भी रिसोर्सेज हैं उसको हम ऑप्टिमम यूटिलाइज करें, क्या करें, ऑप्टिमम यूटिलाइज करें, चाहे वो लेबर हो, जैसे हमारा इंडिया क्या है, लेबर इंटेंसिव, मतलब हमारे इंडिया में बहुत कम प्राइस में चीप लेबर आपको मिल जाएंगे, 10,000-5,000 में काम करने वाले मिल जाएंगे मंथली बेस पे, तो क्या हो गया कि हमारे पास लेबर ढेर सारे है, उसका अगर हम प्रॉपर यूटिलाइज करें तो हम अपनी इकोनॉमी को क्या कर सकते हैं, ग्रोथ। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना सोसाइटी में, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपके इधर लोग काम करेंगे लेबर्स, तो उसका आप क्या पे करोगे, वेजेस पे करोगे, प्लेस यूज़ कर रहे तो रेंट पे करोगे, कैपिटल मशीनरी लोन लिया है तो रेंट इंटरेस्ट पे करोगे आप, ठीक है, आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, राइट। तो अब थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा आप मानो कि जो भी इनकम है, जो भी नेशनल इनकम, मतलब जो इकोनॉमी का, कंट्री का जो इनकम है, उसको किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, ठीक है, किस तरीके से वो पैसे को अलग अलग सेक्टर्स में जो है डिवाइड करते, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो होता है थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। अब इसमें आप ये भी मान सकते हो कि थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में ये भी होता है कि जो गवर्नमेंट के पास इनकम है उस इनकम का किस तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ जैसे जस्टिस के लिए, सेफ्टी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, पेंशन के लिए, राइट, तो सब दैट कम्स अंडर द डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो आई एम श्योर आपको समझा रहेगा, ओके। नाउ वी विल डिस्कस फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, वेरी इजी, हमको मीनिंग समझ गया, हमको स्कोप समझ गया, तो हमको फीचर्स भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो स्कोप है, लाइक जो फीचर्स है, वो स्कोप और मीनिंग के ऊपर डिपेंड है। देखिए पहला क्या मीनिंग है, पहला क्या फीचर्स है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, मैंने बताया माइक्रो इकोनॉमिक डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड विच मीन्स लार्ज, दैट मीन्स एग्रीगेट। तो माइक्रो इकोनॉमिक जो थ्योरी है वो जो भी स्टडी करता हो किसके बारे में करेगा, एग्रीगेट्स के बारे में करेगा, मतलब टोटल स्टडी करता है। अब टोटल में कौन सा स्टडी आ जाता है, नेशनल इनकम आ जाता है, हमारे देश का टोटल उत्पादन कितना हो रहा है, कितना कंजम्पशन किया जा रहा है, ठीक है, कितना एम्प्लॉयमेंट है, तो क्या हो गया, स्टडी ऑफ एग्रीगेट हुआ कि नहीं हुआ, पूरा इकोनॉमी का स्टडी कर रहे हैं ना, राइट, महाराष्ट्र का सिर्फ नहीं कर रहा है, पूरे इंडिया का कर रहा है, सो क्या हो गया, एग्रीगेट्स हो गया, ओके। नेक्स्ट फीचर इज इनकम थ्योरी, मैंने आगे एक्सप्लेन स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दिया कि मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी जो है वो हेल्प करता है
डिफाइन और डिटरमाइन करने के लिए कि हमारे इकोनॉमी का और इंडिया कंट्री का टोटल इनकम कितना है। और टोटल इनकम अगर हमको निकालना होता है तो उसके लिए हमको जीडीपी मेजर करना होता है। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी क्या करता है, हेल्प करता है कि कितना हमारे कंट्री का इकोनॉमी का कितना नेशनल इनकम है। ओके, सो इनकम थ्योरी इज अ मेजर एस्पेक्ट ऑफ मैक्रो। जाहिर सी बात है, इनकम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, हमारी इकोनॉमी के लिए मेजर टास्क ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, और सबसे बड़ा जो टास्क होता है वो डिटरमिनेशन करना कि हमारे कंट्री का कितना जो है नेशनल इनकम है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, हेल्प करता है, डिटरमाइन करता है। ठीक है, आगे चल के हम बहुत सारे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम के मेथड कौन से मेजर करने के। उसके बाद जो है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पार्शियल पढ़ा था, यहाँ पे क्या जनरल इक्विलिब्रियम है। तो सर जनरल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस मतलब ये होता है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी है वो जो भी स्टडी करता है वो एंड रीजन फाइंड आउट करता है। दैट मींस कितने सारे एक पे इंटरडिपेंडेंट है वो सभी को मालूम करता है रीजन, उसको हम क्या बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम। मतलब मान लीजिए पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो उसके कौन कौन से कारण रहेंगे। मान लीजिए कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ा तो जो है क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया, या कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने। टैक्स क्यों बढ़ाया, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं था। गवर्नमेंट के पास पैसे क्यों नहीं था, क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन था उसके वजह से। अब पैंडेमिक जो है, तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो सभी का रीज़न फाइंड आउट करना उसी को हम क्या बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो देखो यहाँ पे लिखा है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट एंड देयर इंटरडिपेंडेंस। एक पे एक डिपेंड होता है ना। मान लीजिए आप नहीं पढ़ाई कर रहे, क्यों, क्योंकि आपको मार्क्स कम मिले रहेंगे, या तो आप मोबाइल में बिजी रहेंगे। मोबाइल में क्यों, क्योंकि आपके पास मोबाइल है, उसमें आपको फ्री में डेटा मिलता है, इसके लिए आप फ्री में टाइम पास करते हो, राइट, ये रीज़न हो सकता है। तो सेम इकोनॉमी में मान लीजिए कि अगर प्राइस कम ज़्यादा होता है तो उसके कितने रीज़न हो सकते हैं, सभी का एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट मालूम करना। यहाँ पे देखिए चेंज इन लेवल ऑफ इनकम, अगर किसी का जो है इनकम चेंज हुआ, ठीक है, लेवल ऑफ इनकम अगर किसी का चेंज हुआ, ठीक है, अब इनकम क्यों बढ़ा उसका रीज़न पहले ढूंढना कि भाई उसके सेविंग का चेंज होना। अब उसका सेविंग जब चेंज हुआ तो उसका इन्वेस्टमेंट चेंज हुआ, इन्वेस्टमेंट अगर चेंज हुआ तो उसका प्रोडक्शन आउटपुट भी क्या हो गया, चेंज हो गया, राइट। तो इस तरीके से जो है एक दूसरे का इंटरडिपेंडेंस, मतलब एक दूसरे का जो है रिलेशन मालूम करना। अब देखो यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस का दिया है, तो इंटरडिपेंडेंस मतलब एक दूसरे पर डिपेंड रहना। जैसे मान लीजिए अगर जो है सच, देखिए मैक्रो इकोनॉमिक टेक इन टू दी अकाउंट इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल। कौन कौन से इकोनॉमिक वेरिएबल है, सच एज इनकम आउटपुट। अगर हमारा इनकम ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस ज़्यादा करेंगे, और जब प्रोड्यूस ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए हमको लेबर्स का रिक्वायरमेंट होगा, तो सभी लोग इम्प्लॉयड हो जाएंगे। और जब ज़्यादा लोग इम्प्लॉयड हो जाएंगे तो सभी को इम्प्लॉयड करने के लिए हमारे पास उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए, उतना बड़ा बिजनेस भी होना चाहिए। तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, प्राइस लेवल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि लोगों के पास उतने पैसे होंगे खर्चे करने के लिए, एक्सपेंस करने के लिए, राइट। तो एक दूसरे पे क्या होता है, इंटरडिपेंडेंट होता है। अब मान लीजिए कि अगर इनकम नहीं है तो आउटपुट कम हो जाएगा, पैंडेमिक की वजह से देखो आउटपुट बंद हो गया। जब आउटपुट बंद हो गया तो बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, और जब बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए तो इन्वेस्टमेंट कम हो गया बिजनेस का, और जब इन्वेस्टमेंट कम हुआ तो देख लीजिए प्राइजेस का भी क्या है, लोगों का परचेसिंग पावर कम हो गया, लोग कम खर्चा कर रहे, राइट। तो एक दूसरे पे क्या होता है, डिपेंड होता है, ठीक है। प्राइस लेवल भी देखो बढ़ रहे हैं तो इन्फ्लेशन वाला सिचुएशन आ रहा है, राइट। तो एक दूसरे पे क्या होता है, इंटरडिपेंडेंस होता है। तो ये इसके फीचर्स हैं। नेक्स्ट फीचर इज लंपिंग मेथड। लंपिंग मेथड हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा था, जो है स्लाइसिंग मेथड। स्लाइस में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करके डीप में स्टडी करते हैं। लंपिंग मेथड में हम लोग एक जनरल सैंपल बेस पे स्टडी कर लेते हैं, केस स्टडी बेस पे कर लेते हैं एज अ इकोनॉमी, तो उसको होल इकोनॉमी का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंपिंग मेथड। मतलब यहाँ पे हम लोग डेप्थ में स्टडी नहीं करते, ऊपर ऊपर से जो सैंपल रहेगा उसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ओके, ग्रोथ मॉडल हमने जो है थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो पढ़ा है वही सेम इसमें रहेगा एक्सप्लेनेशन। ओके, जनरल प्राइस लेवल हमने ऑलरेडी पढ़ा, इन्फ्लेशन में जनरल प्राइस लेवल मैंने एक्सप्लेन किया, वो आप जो है स्टार्टिंग के देख लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ओके, पॉलिसी ओरिएंटेड मैक्रो इकोनॉमिक्स जो भी थ्योरी जो भी स्टडी करता है वो हेल्प करता है एक अच्छा पॉलिसी बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, एक अच्छा पॉलिसी
पॉलिसी फॉर्मुलेट बनाना, पॉलिसी को बनाना और उसको चेंजेस करना, वो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है, हेल्प करता है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक जो थ्योरी है वो हेल्प करता है एक अच्छा पॉलिसी बनाने के लिए, या पॉलिसी है तो उसको चेंज करने के लिए। ओके, गवर्नमेंट जाहिर सी बात है गवर्नमेंट क्या करता है, चेंज करता है रिलेटेड टू टैक्स, रिलेटेड टू प्रोडक्शन, रिलेटेड टू मतलब बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे पॉलिसीज होते हैं, वो चेंज करता है। ठीक है, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी हेल्प करता है एक सही डिसीजन लेने के लिए, एक सही पॉलिसी बनाने के लिए। ओके, नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है? इसलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर है तो उससे हम क्या कर सकते हैं कि इकोनॉमी में कितने अप्स एंड डाउन होते हैं वो सारे सिस्टम का हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं ईजिली एज अ होल इकोनॉमी एग्रीगेट लेवल पे। तो इसके लिए इसका इम्पोर्टेंस है। इकोनॉमिक फ्लैक्चुएशन, जैसे मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि इकोनॉमी में बहुत सारे लोगों का इनकम अप्स एंड डाउन होता है, उसकी वजह से प्रोडक्शन कभी ज़्यादा हो गया कभी कम हो गया, तो ये सब का क्या करना, ओवरऑल स्टडी करना, इसके लिए इसका इम्पोर्टेंस है। ओके, सिमिलर एक दो पॉइंट सिमिलर है, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सक मतलब सेम ही यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेशनल इनकम का मैंने ऑलरेडी बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है तभी उसके बेस पे ही हम क्या करते हैं, मेजर फैक्टर है जिससे हम लोग पता करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक हमारे देश का कितना इनकम है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो ही हम नेशनल इनकम मेजर करते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट का भी सेम है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो ही थ्योरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज़ करके हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं कि हमारे इकोनॉमी का डेवलपमेंट है नहीं है, अगर नहीं है तो उसके क्या रीज़न हो सकते हैं, उसके फिर सॉल्यूशन ढूंढो। राइट, परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है कि हमारे इकोनॉमी का क्या परफॉर्मेंस है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि हम लोग मेजर करते हैं, मालूम करते हैं, परफॉर्मेंस पता करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी यूज़ करके। राइट, इसके लिए इंपॉर्टेंस है। इस तरीके से ये दिमाग से पढ़ोगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। अब देखो ये पॉइंट है, माइक्रो स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी हम लोग यूज़ करके क्या कर सकते हैं, जो वेरिएबल्स हैं उस वेरिएबल के बारे में स्टडी कर सकते हैं। व्हाट इज़ वेरिएबल? इन्वेस्टमेंट हो गया, इनकम हो गया, आउटपुट हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, जनरल प्राइस लेवल हो गया, ये सब वेरिएबल्स हैं। इस वेरिएबल्स को हम स्टडी करके क्या कर सकते हैं, एक फाइंड आउट कर सकते हैं प्रॉब्लम एंड उससे रिलेटेड सॉल्यूशन भी बता सकते हैं। राइट, सो माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी इज़ली इम्पॉर्टेंट। माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उससे हम लोग मेजर कर सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी में ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है और अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो उसका प्रॉब्लम क्या है एंड उसका सॉल्यूशन भी जो है क्या है, वो भी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी के बेस पे थ्योरी को यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन आता है तो कमेंट कीजिएगा, डेफिनेटली श्योर मैं जो है आपके कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर करूँगा। ठीक है, अगर कमेंट आपका क्वेश्चन और अच्छा रहा तो मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो भी बना दूंगा, क्वेश्चन एंड आंसर करके लेक्चर्स का, ठीक है, Q&A का। चलो, आपको नोट चाहिए रहेगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, और लेक्चर आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या क्या मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और सभी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स पूरे आपको एक कोर्स फॉर्म में मिलेंगे, ताकि आपको एक बार आपने देखा एक लेक्चर तो आप सारे लेक्चर देख लोगे तो आपका जो है एक हफ्ते के अंदर पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, ऐसा है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।